महाराष्ट्र चुनाव में राष्ट्रीय का कारवां पहुंच गया है औरंगाबाद, पुणे, नागपुर और गोरेगांव के बाद आज ठाणे। जी हां, नया नगर नई मंजिल। मुंबई अगर मंजिल है तो ठाणे ठिकाना देता है न जाने कितनों को। तालाबों के शहर में तालियों के साथ स्वागत है। जबरदस्त जनता यहां पर तैयार है। पीएमसी घोटाले के साथ ही शुरुआत करेंगे क्योंकि तमाम बोर्ड बता रहे हैं पीएमसी बैंक घोटाले को लेकर लोगों में कितना आक्रोश है। नेताओं को देना होगा जवाब। हमारे साथ कई खास मेहमान मंच पर मौजूद हैं, तालियों के साथ उनका भी स्वागत कीजिए। अविनाश यादव जी एमएनएस का पक्ष रखेंगे, सीताराम राणे साहब नेशनल काउंसिल मेंबर बीजेपी के हैं, संजय नलवाड़े जी शिवसेना का पक्ष रखेंगे और चरण सिंह सापरा साहब कांग्रेस पार्टी के नेता। तालियों के साथ इन सभी का स्वागत कीजिए। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें और सापरा साहब से और अन्य लोगों से सवाल पूछे, ग्राउंड रिपोर्ट जो आपको बताएगी कि ठाणे के इस वक्त हालात क्या हैं, मुद्दे क्या हैं, तस्वीर क्या है, सोच क्या है, लोग जो वोट करने जाएंगे क्या सोचकर वोट डालेंगे। मुंबई अगर सपनों का नगर है तो नए मुंबईकरों के लिए नए सपनों का शहर यही ठाणे है। जी हाँ, मुंबई अगर मंजिल है तो ठिकाना यही ठाणे में मिलता है। उत्तर भारतीयों की भी एक बड़ी तादाद है जो इसी ठाणे में रहती है। आइए चलते हैं ठाणे के सड़कों पर और यहाँ की सड़कों पर जनता से ये जानते हैं कौन से हैं सियासी मुद्दे उनके, किसकी तरफ है उनका झुकाव और क्या सोचकर वो करेंगे वोट। आज सुपरफास्ट ट्रेनें और सेमी बुलेट ट्रेन देश में चलाने की बात हो रही है, लेकिन यही वो ठाणे है जहाँ पहली बार हिंदुस्तान में ट्रेन चली थी। जहाँ 1853 16 अप्रैल वो तारीख जब पहली बार मुंबई से ठाणे के लिए एक ट्रेन रवाना हुई थी और ट्रेन यहाँ पर पहुंची थी और उसी इतिहास के गवाह हम बन रहे हैं इसी ठाणे में। ठाणे को तालाबों का शहर कहा जाता है लेकिन यहाँ पर बिल्डर्स लॉबी का दबदबा अब सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ कर बोलता है। एक वो वक्त भी था जब ठाणे में तमाम इंडस्ट्रियां फैक्ट्रियां मौजूद थी लेकिन अब इन तमाम इलाकों में ज्यादातर आप देखेंगे ऐसी ही बिल्डिंग ऐसी इमारतें बनी हुई हैं। बिल्डर्स लॉबी का दबदबा, इसका जब जब जिक्र होता है तो एक वक्त पर शिवसेना का दबदबा था, कांग्रेस एनसीपी ने उसमें सेंध लगाई लेकिन कोई भी पार्टी इससे अछूती नहीं है। सड़क की जो हालत है आपको लगता है ठीक है? नहीं है, ठीक नहीं है। इतना गर्दी है, फिर इतना बड़ा रास्ता बनाया, दोनों साइड में ट्रैफिक खड़ा रहता है, हमेशा ट्रैफिक खड़ा रहता है, इसलिए आने जाने वाले को तो बहुत तकलीफ ही है। गड्ढों की स्थिति तो हर साल की जैसे ही है, बारिश के बाद रहते ही है, 365 डेज इन ईयर हमेशा रहते हैं, कुछ बदलाव नहीं है। ठाणे से आज हमारा शो है और संकल्प पत्र भी भारतीय जनता पार्टी ने आज ही सामने रखा है। बड़ी बात है, 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा है। इसी के साथ ये भी कहा है कि सूखा अगले 5 सालों में प्रभावित न करे, इसके लिए हम भरपूर काम करेंगे इरिगेशन का। तीसरी तरफ किसानों के लिए भी सहायता की बात की है और कहा है कि 12 घंटे उन्हें कम से कम बिजली जरूर मिलेगी। आइए इसी पर करेंगे चर्चा, कैमरामैन समीर के साथ अंजना ओम कश्यप, ठाणे आज तक। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सीताराम जी आपके साथ मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। क्या सोचकर जनता वोट करे, उनके सवाल तो खैर आएंगे ही लेकिन आपको लगता है कि जितना काम होना था हुआ था, फैक्ट्रियां कंपनियां नौकरियां ये सब ऐसे शब्द हैं जिनसे दूर भागकर आप वीर सावरकर को भारत रत्न देंगे, इसके जरिए भावनाओं को अपनी तरफ करने की कोशिश में लग गए? अगर 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 जवाब दीजिए, जवाब वीर सावरकर जी को भारत रत्न देते हैं तो उसमें गलत क्या है? गलत क्या है उसमें? वो उचित है, उचित है और उनका सम्मान है। भारत में जिन जिन व्यक्तियों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया है उन लोगों को भारत रत्न दिया हुआ है, उन लोगों को भारत रत्न दिया हुआ है। अगर वीर सावरकर को मिलता है तो उसमें गलत कुछ भी नहीं है, उनको मिलना चाहिए, उनका हक है। चलिए ठीक है, एक घोटाला से आपका आमना सामना कराते हैं, वही पीएमसी घोटाला जिसमें आप कहते हैं कि राहत मिल जाएगी, राहत मिल जाएगी, लेकिन आज भी एक व्यक्ति जब बैंक से वापस घर गया उसको हार्ट अटैक हो गया। बताया जा रहा है उनका पैसा यहाँ फंसा था, इससे पहले जेट एवियस में नौकरी चली गई थी। ऐसे मुश्किलों का क्या पीएमसी घोटाले पर कौन बोलेगा, जल्दी बोलो। यहाँ पर हम लोग भांडुप मुलुंड और सारा थाना मुंबई शहर से आए हुए हैं। सबसे पहले मैं अपनी श्रद्धांजलि देती हूँ संजय गुलाटी जी जो कल ओशिवरा में गुजर गए हैं और आज फटोवल पंजाबी जो मुलुंड कॉलोनी से गए हैं। तो हमें यही पूछना है कि 2 लाइव्स ऑलरेडी जा चुके हैं, आप हमें कब राहत देंगे? आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऑलरेडी आ चुकी है, उनके लिक्विडेशन के लिए लोग नहीं रुक सकते, स्ट्रेस लेवल्स बहुत हाई। आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पर किसी के घर में कोई मर रहा है, किसी के बेटे की शादी होनी है,
मतलब कितना इंतजार करेंगे, कैसे इंतजार करेंगे, जवाब दीजिए। आप बैठिए, जवाब सुनिए, आपको जवाब नहीं सुनना है क्या? जवाब सुनिए, आप सवाल पूछ रहे हैं, जवाब क्यों नहीं सुनते? जवाब दीजिए। हम लोग इन लोगों से सहमत है, जिनके जिनकी जाने गई है उनके 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 लिए मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आप सुनो ना, सुनो ना तो सही। चार दिन पहले हमारे भारत के फाइनेंस मिनिस्टर मैडम यहाँ आई थी बॉम्बे में। उस वक्त सुनो, अभी अगर सुषमा स्वराज होती तो 24 घंटे के अंदर बैंक चालू हो जाती। सुनो, आप 4,000 में से अगर 3,000 करोड़ पूछिएगा, आप किस चीज की राहत है और लोग को मारना चाहते हैं? ऐसे कब मिलेंगे? 25,000 की रकम बढ़ा के 40,000 की दी गई है, 40,000 की है। आप नौजवान का एजुकेशन जा रहा है, एडमिशन नहीं मिल रही है, माँ बहन रस्ते पे आ गई है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। शासन की सोच है। अगर जिन्होंने फ्रॉड किया है, जिन लोगों ने फ्रॉड किया है उनको अरेस्ट की गई है, उनकी प्रॉपर्टी जब्त की गई है। हमारा एक मिनट, पब्लिक की भी सुनिए, पब्लिक की भी। एक गलत काम, एक मिनट, मेरे को पॉलिटिकल से कुछ लेना देना नहीं है। मुझे को मेरा पैसा वापस कब मिलेगा? आपका पैसा वापस जरूर मिलेगा, 101% मिलेगा, 101% मिलेगा। अगर आप सोचते हैं आज अभी का अभी की मिलना चाहिए तो होगा नहीं। क्यों होगा नहीं इसके वजह मैं आपको बताता हूँ, जिन लोगों ने फ्रॉड किया है, जनता का पैसा है, प्रॉपर्टी जब्त की है, उनकी प्रॉपर्टी जब्त की है, जिन्होंने फ्रॉड किया है उनको अरेस्ट किया गया है। अंजना जी, मैं बोलना चाहता हूँ, ये सब चीजें होने के बावजूद हमारी गवर्नमेंट के हिसाब से आपको सबको बता दिया गया है, किसी का नुकसान होगा नहीं, किसी का नुकसान होगा नहीं। एक मिनट, मैं बोलता हूँ, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, शांति रखिए। देखिए इन्होंने क्या कहा कि 40,000 रुपया हम इनको दे रहे हैं। अरे तुम क्या मेहरबानी कर रहे हो? हमारा पैसा है, ये जनता का पैसा है, जनता का पैसा है, और जनता का पैसा लेने के लिए जनता भीख मांग रही है। ये बीजेपी शिवसेना की सरकार से जनता भीख मांग रही है, ये बोलते हम 40,000 दे रहे हैं, मेहरबानी कर रहे हैं। अरे एक सूट बूट की सरकार है, ये सूट बूट की सरकार है, इन्होंने लोगों का पैसा दबा दिया है, इन्होंने लोगों का पैसा दबा दिया है। वापस जाए। अंजना जी, देखिए सवाल ये है कि ये सरकार मदद नहीं करना चाहती है, ये सरकार ने 2 लाख करोड़ का रिकैपिटलाइजेशन स्कीम बैंकों के लिए लाई, ये लोग 1,76,000 करोड़ रुपया ये लोगों ने आरबीआई से निकाला, 10 लाख करोड़ ये लोगों ने LIC से निकाला। ये सरकार ईमानदारी से जनता की मदद नहीं करना चाहती है, ये सूट-बूट की सरकार है, ये सूट-बूट की सरकार है, ये कॉरपोरेट टैक्स माफ कर सकती है, 1,25,000 करोड़ का कॉरपोरेट टैक्स माफ करती है, लेकिन पीएमसी बैंक के लोगों का पैसा नहीं दे रही है वापस। आरे पर आप मुंह खोलते हैं, आरे पर आप कहते हैं कि गलत किया, रातों रात पेड़ काटा। पीएमसी घोटाला में भी आपसे जनता पूछेगी ना कि क्यों नहीं पैसे मिल रहे लोगों के? जनता जरूर, उनका जनता का हक है पूछना। इसका मतलब ये नहीं, अभी का अभी हो, गवर्नमेंट हमारे गवर्नमेंट ने बता दिया है, फाइनेंस मिनिस्टर ने बता दिया, आपको जानकारी लेते हैं। इनके कार्यकाल लोगों का सौ बैंक फ्रॉड हो गया, लेकिन ये लोगों का पैसा खाना चाहते हैं क्या? 40,000 पीछे चलिए, आप अकड़ दिखा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की अकड़ है, ये भारतीय जनता पार्टी की अकड़ है कि जनता रो रही है, जनता गिड़गिड़ा रही है, जनता भीख मांग रही है, और भारतीय जनता पार्टी कहती है 40,000 दिया, बहुत मेहरबानी कर दिया आपके ऊपर, जाओ अपने घर चले जाओ। ये भारतीय जनता पार्टी कहना चाहती है, अरे हाथ जोड़ के इनको कहिए कि आपका पैसा मिलेगा, हाथ जोड़ के इनको कहिए कि हम रिवाइवल पैकेज लेकर के आएंगे, हाथ जोड़ के इनको कहिए कि आपका पैसे का सरकार सुरक्षित रखेगी, आपका अहंकार
अहंकार है, ये आपका अहंकार है जो ये कहता है कि हमने 40,000 रुपया दिया। आपका अहंकार है जो निर्मला सीतारमन की स्टेटमेंट गलत आती है। आपका अहंकार है कि देवेंद्र फडणवीस कहते हैं, एक दिन कहते हैं मैं 13 तारीख को प्रधानमंत्री से बात करूंगा, और आज कहते हैं कि मैं चुनाव के बाद बात करूंगा। चुनाव में वोट लेना चाहते हैं इनकी सबकी, टीएमसी वालों की। कोई वोट नहीं देगा, कोई वोट नहीं देगा बीजेपी को। गुस्सा भी जायज है क्योंकि सामने दिवाली है, ऐसे में घोटाला हुआ है तो लोगों का गुस्सा जायज है, लेकिन कुछ टेक्निकल पॉइंट्स रहते हैं। अगर लोग कहेंगे कि भाई आज के आज ऐसे कितने घोटाले हुए कांग्रेस और सरकार के इसमें तो कार्यकाल में, तो ऐसा नहीं हुआ ना कि भाई कोई भी घोटाला तुरंत लोगों ने उसके खिलाफ आवाज उठाया और उसको सुलझा गया। भाई तो कांग्रेस ने घोटाले अगर किए होंगे तो कांग्रेस को सजा मिली। ये गरीबों ने बेचारों ने क्या किया, ये गरीब अपना पैसा मांग रहे, ये गरीब अपना पैसा मांग रहे, ये गरीब अपना पैसा मांग रहे। आप 1,000, 25,000, 40,000 में उलझा रहे। आप बताइए कि आपने उद्योगपतियों का, देखिए आपके शहर को पूरा देश देख रहा है, आज थाने को पूरा देश देखेगा। आप लोग लड़ाई मत कीजिए, बैठ जाइए। आपने क्यों डाला सिस्टम के अंदर, आपने बैंकों को रिकैपिटलाइज क्यों किया, बताइए। सब लोग बैठिए, के लिए आपने रिकैपिटलाइज किया। सब लोग बैठ के बात कीजिए। हम आप लोग चलिए, हाँ ठीक है, सबका चल रहा है, बैठिए चल के। भाई ये टीएमसी के अकाउंट होल्डर है, इनकी आवाज मत दबाइए। टीएमसी के अकाउंट होल्डर की आवाज मत दबाइए। टीएमसी के अकाउंट होल्डर है, अपना दुख या जाहिर कर रहे हैं। आज एक व्यक्ति की मौत हुई है मुलुंड के अंदर, मुलुंड के अंदर मेरा साथी था वो, उस व्यक्ति के पैसे थे, उस व्यक्ति की जान गई है और यहाँ पर आप लोग झगड़ रहे हैं। कल संजय गुलाटी की जान गई है और ये निर्लज्ज सरकार ये देख नहीं रही है उसकी तरफ। सरकार को इमीडिएटली कितनी हत्याएं सरकार कराना चाहती है, कितने सुसाइड सरकार कराना चाहती है। मोहलत मिली है, मोहलत मिले। आप लोग थोड़ा सुनने की बात करो, सुनने। कितने लोग और सुसाइड करे बताओ? नहीं नहीं, दो का हो गया आपके कार्यकर्ता, हजारों लोगों ने दो का हो गया, हजारों दो के बाद और क्या आत्महत्या की। आप चाहते और मर जाए, आप चाहते टीएमसी के और अकाउंट होल्डर मर जाए, कोई हक नहीं है। आप चाहते कि और मर जाए, आप पैसा दोगे कि नहीं दोगे? आप ये बताइए कि पैसा कब मिलेगा, आप ये बताइए कि पैसा कब मिलेगा सबको, पूरा पैसा कब मिलेगा ये बताइए। पूरा पैसा कभी मिलेगा? हकदार नहीं है। पूरा पैसा सरकार देगी या नहीं देगी? बताओ, पूरा पैसा सरकार देगी या नहीं देगी? पूरा पैसा सरकार देगी कि नहीं? पीएमसी के बैंक के अकाउंट होल्डर को पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पैसा पूरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या और लोग मरेंगे तब मिलेगा? कितने लोगों के शव पर ये सरकार खेलेगी, कितने लोगों के शव पर ये सरकार खेलेगी? ये देखिए, ये दुखी है, पीएमसी के अकाउंट होल्डर है, आप लोग इनको पैसा नहीं देना चाहते। ये आपका घमंड है, आपकी दादागिरी चल रही है। कुछ और लोगों के सवाल है, कुछ अन्य मुद्दों पर। देखिए आज थाने को पूरा देश देख रहा है और आप जिस तरह से हंगामा कर रहे हैं ये बहुत दुखद बात है। आप एक पूरे शो को हाईजैक कर रहे हैं, किसी और का सवाल नहीं हो पा रहा, आप लोग वहाँ इकट्ठा होकर शोर कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। मैं सबके सवाल लूंगी लेकिन सामने से हटिए सब प्लीज। हाँ तो आप बोलिए बच्चे, आप बोलिए मत, मैं आऊंगी आपके पास माइक लेके, तब सवाल पूछिए, हंगामा मत करिए। और किसी को इधर से सवाल पूछना है? सवाल पूछना है किसी को? आइए, जो बैंक वाले लोग को जो प्रॉब्लम वाला उनसे बात करो ना, उनके यहाँ पे एक पब्लिक क्यों जा रही है? उनसे बात हुई है, उनकी बात हुई है, उन्हीं से बात किया है, उन्हीं से बात कर रहे हैं। आप क्यों तय कर रहे हो कि किसको क्या करना है? आइए, सुनो मैडम, मुझे लगता है कि अच्छा मैडम हम लोग प्रचार बोलू। सर्वप्रथम मैडम मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं अभी सबके सामने यहाँ पे जितने लोग बैठे, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अपने आज भारत की जो गिनती होती है पूरे विश्व में, एक युवाओं के देश के नाम पर होती है। क्या वीर सावरकर को या किसी और को भारत रत्न देने से इन सभी बेरोजगार युवकों को रोजगार मिल जाएगा? जो आज भुखमरी से परेशान है, क्या उनको उनकी भूख मिट जाएगी? आज के आज जो है पूरे विश्व में, आज एक टाइम था जब अब्दुल कलाम ने कहा था कि इन कमिंग अप टू 2025 इंडिया एक सुपर पावर बनेगा, तो क्या किसी एक की मांगनी के लिए किसी एक को भारत रत्न देने से क्या इस देश के जो करोड़ों बेरोजगार घूम रहे क्या उनको रोजगार मिल जाएगा? जवाब दीजिए सर। नहीं, जवाब सुनने की भी आदत रखो ना भाई साहब। जवाब जरूर जरूर मिलेगा,
इस भारत देश में की अगर बात करते हैं तो रोजगार की संख्या बढ़ गई है। स्मार्ट स्मार्ट लोन के स्मार्ट 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 लोन के हिसाब से उद्योजकता बढ़ी है, उद्योजकता बढ़ी है। इसमें 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 सारी संस्थाएं कह रही है कि यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ी है। 45 सालों में इतनी बेरोजगारी नहीं थी जितनी बेरोजगारी अभी हुई है, सारी संस्थाएं कहती है। ये नया गणित लेकर ये बेरोजगारी शुरू हो गई है। अरे आप पहले हम लोग हमारा हमारा प्रचार छोड़ के यहाँ आए ना, इनको यही चाहिए, इनको यही चाहिए। हम बात ही नहीं कर पाए कोई चीज से। देखिए देखिए देखिए, हमें जो चीज की जरूरत है उस चीज पे बात होनी चाहिए। हम इनके साथ है, अगर उनकी बाजू मान रहे हैं तो उनके अंग पे आ रहे हैं। ये कौन सा न्याय न्याय कर रहे हैं? पहले वो दुखी है, उसके बाद वो आवाज कर रहे हैं तो उनके अंग पे उनको मारने को आ रहे हैं। बीजेपी जनता बीजेपी दबाना चाह रही है, पार्टी कर रही है। अरे हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपका अस्तित्व बचा है महाराष्ट्र में? आप चार में लिप्त हुए, उन्होंने चार मंत्रियों को टिकट नहीं दिया। कलम होंगे बरली में आदित्य ठाकरे की सीट पर और वहां से हमारा शो होगा। नेता सामने होंगे और जनता दागे की सवाल देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।